साहू समाज के जो वोटर्स पिछले 3 बार से साहू समाज के प्रत्याशी बीजेपी में जीतते आ रहे थे और वो मानती थी कि साहू समाज के लोग, तो इस बार कांग्रेस वैसा कोशिश की कि वो साहू समाज को कैसे करें। लेकिन कुछ चीजें एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है, उसमें कहीं कोई शंका की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। देश आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है जिसके चलते वह प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, सड़कों पर नहीं आ रहा है, कार्यकर्ताओं में नहीं नजर नहीं आ रहा है। प्रत्याशी को लेकर काफी कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं महासमुंद लोकसभा के गरियाबंद जिले में। गरियाबंद जिले के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और आज पत्रकारों से जानेंगे कि इस बार महासमुंद लोकसभा में चुनाव को लेकर क्या माहौल है और गरियाबंद जिले में कैसा माहौल उनको नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम पात्री, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस बार का जो चुनाव है, इस बार क्या महासमुंद में हमेशा से टक्कर रहा है। पिछले बार का लोकसभा भी कोई ज़्यादा मत से बीजेपी नहीं जीती थी, एकदम कम अंतराल था, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच खासा टक्कर हुआ। उसकी 2-3 वजह ये है कि देखिए, आपको बता दूँ कि कांग्रेस इस बार लोकसभा में महिला को लुभाने की कोशिश की है और 1.5 लाख रुपये देने की योजना, जो भाग्यलक्ष्मी योजना है, उसमें उन्होंने लॉन्च किया। तो कांग्रेस के पास योजना है, तो महिलाओं को ले जाने के लिए बीजेपी महिला प्रत्याशी दांव में लगा, महिला प्रत्याशी खड़ी, तो इसलिए उसका काट हो गया, इस योजना का काट लगभग ऐसा। इसी तरह अगर देखें तो बीजेपी जो है इस बार हर बार साहू समाज के प्रत्याशी उतारती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस साहू समाज का प्रत्याशी तामरधन साहू को सामने लाया, इस चेहरे को, दूर के चेहरे को यहाँ पे ला कर खड़ा कर दिया। तो वो चाहते हैं कि जो साहू समाज के जो वोटर्स पिछले 3 बार से साहू समाज के प्रत्याशी बीजेपी में जीतते आ रहे थे और वो मानती थी कि साहू समाज के लोग, तो इस बार कांग्रेस वैसा कोशिश की कि वो साहू समाज को प्रत्याशी करें। लेकिन बीजेपी इसके कार्ड के लिए क्या किया है कि उन्होंने जो है मोतीलाल साहू, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, विधायक भी हैं, उनको सामने खड़े कर दिया है, उनको चुनाव का प्रभारी बना दिया है, ताकि साहू वोटर्स जो है, जो नाराज वोटर्स हैं प्रत्याशी को नहीं मिलने से जो नाराज हैं, उनका वोट जो है बीजेपी में पड़े। इसके साथ साथ ही वो पूरे ऑल ओबीसी को लुभाने के लिए ओबीसी का एक चेहरा खड़ा किया। योजनाओं में जिस तरह से वार प्रतिवार हो रहा है, कैंपिंग की बात करें तो दोनों बराबर चल रहे हैं, जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो कसमकस लड़ाई इस बार भी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है तगड़ी घेराबंदी किया हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। और एक तरफा नहीं हो सकता लोकसभा का, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि सीट जो है बीजेपी एक तरफा निकालेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, कांग्रेस और बीजेपी में बराबर का टक्कर होगा और दोनों बातों को ध्यान में रखकर, कई बातों को ध्यान में रखकर प्रत्याशी को खड़े किया है और उस तरह से रणनीति जारी। हमारे साथ और भी यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस बार चुनाव किस तरह का होने वाला है और बीते 5 साल में और इस पाँच माने अभी के वक्त में चुनाव में कितना अंतर फर्क आपको नजर आ रहा है। देखिए, लोकसभा का जो चुनाव है वो 8 विधानसभाओं को मिलाकर होता है और अभी जो वर्तमान में स्थितियाँ हैं, 4 कांग्रेस के पास में, 4 भाजपा के पास में, इन परिस्थितियों के बीच में दोनों के बीच में कसमकस बनी हुई है दोनों, और दोनों प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा है, उसमें कहीं कोई शंका की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। भाजपा जिस ढंग से इस बार चुनाव पूरी तरह से योजनाबद्ध ढंग से लड़ रहा है, वो कांग्रेस में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और एक तरह से ये कहा जा सकता है, चुनाव हमेशा कार्यकर्ता लड़ता है, नेता नहीं लड़ता। इस बार भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भाजपा ने अभी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है और देखा जाए तो एक तरह से भाजपा पूरी तरह से साधन संपन्न है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नज़र नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें, हालांकि साहू प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया क्योंकि साहू बाहुबल है, उन्होंने साहू से इसका मदद मिलना चाहिए, लेकिन जो मदद चंदूलाल साहू को मिलता रहा है भाजपा में, जो मदद चुन्नीलाल को साहू समाज से मिलता रहा है, इस बार ताम्रधर साहू को वो जो मदद मिलना है साहू समाज से, वो मिलता दिख नहीं रहा है, जिसके चलते इकट्ठा न होने के कारण भाजपा को एक तरफ से अधिक दबाव महसूस कर रहे हैं भाजपा के लोग, अधिक मतों से जीतने की संभावनाएं स्पष्ट नजर आ रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो ये फैक्टर है कि भाजपा के पास आर्थिक रूप से मजबूती बनी हुई है, कहीं कोई छापा नहीं पड़ा है उनके खाते में, कहीं वो नहीं है, पैसे के भरपूर है उनके पास, मुख्यतः। लेकिन कांग्रेस के पास छापा पड़ने के कारण पैसे का निकालना भी
कम हो गया है और ये अभी जो चुनाव हो रहा है, हो सकता है व्यवस्था हो रही हो कहीं और से हो रही होगी, लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो कांग्रेस आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है, जिसके चलते वह प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, सड़कों पर नहीं आ रहा है, कार्यकर्ताओं में नहीं नजर नहीं आ रहा है, बैनर पोस्टर कहीं नजर नहीं आ रहा है। एक तरह से यह मुझे जो महसूस कर रहा हूं कि एक पक्षी पूरा तरह से भाजपा की ओर झुकता नजर आ रहा है महासमुंद, और परिणाम भी अप्रत्याशित रूप से आएंगे। साहू बाहुल्य का होने के कारण उसका लाभ मिल सकता है अपना तांडव साहू को, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। इसलिए ये कहा जा सकता, आसानी से कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, और मोदी जो है भारत के एक सर्वमान्य नेता के रूप में आप जाने जा रहे हैं। इसलिए प्रत्याशी कोई भी हो, वोट मोदी को मिलना है, वोट भाजपा को मिलना है, वोट कमल छाप को मिलना है। इसलिए एक तरफा जाने की उम्मीद ज्यादा है मुझे। मोतीलाल साहू ये बीजेपी का कितना बड़ा इसे प्लान मानते हैं कि मोतीलाल साहू को टिकट वितरण के पहले ही लोकसभा का प्रभारी बना दिया गया, क्या इसलिए बनाया गया कि वो साहू समाज को साध सके? बिल्कुल आपने कहा, ठीक कहा आपने, मोतीलाल को जो साहू को बनाने का जो संयोजक था वही कारण था, लेकिन वो फलीभूत होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो जहां तक वो प्रभारी है इसलिए जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रत्याशी वो सीधा सीधा साहू है, साहू होने के कारण साहू समाज के लोग उनको चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि साहू समाज को जोड़ नहीं पा रहे हैं। जो ताम्रध्वज साहू को जो जोड़ना चाहिए समाज के लोगों को, वो स्पष्ट कमी महसूस नजर आ रही है। और इस बार एक और बात नजर आ रही है कि पूर्व में साहू समाज के लोग आसानी से जुड़ जाया करते थे, इस बार इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं कि इसके पीछे मोदी जी का चेहरा नजर आ रहा है। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं आप अगर महासमुंद की बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं पूरे भारत में एक चीज नजर आ रही है स्पष्ट तौर पर, मोदी जी ने कुछ काम किया है जो समाज के अनुकूल, लोगों के अनुकूल नजर आ रहा है, जिसमें मैं कह सकता हूं राम जन्मभूमि का निर्माण की बात, निर्माण भले समिति किया हो लेकिन अघोषित रूप से उसके पीछे मोदी जी का चेहरा नजर आ रहा है, जो एक तरह से ये होने के बाद में एक पूरे के पूरे लोग जो है मोदी के प्रति समर्पित हो गए हैं, उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस बार गरियाबंद जिले में, मतलब महासमुंद लोकसभा के गरियाबंद जिले में किस तरह का चुनावी माहौल आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, इस समय हम यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो बिल्कुल साइलेंट, मान के चले लगभग बीजेपी का ही चुनाव प्रचार प्रसार दिख रहा है, और कांग्रेस का तो गिनती के कुछ जगह नजर आ रहा है। और देखा जाए जैसे दोनों पार्टी का, इस समय पूरी तरीके से जो चुनाव प्रचार प्रसार का जो काम है पूरी तरीके से डिजिटलीकरण हो गया है, मतलब झंडा बैनर कहीं नजर नहीं आ रहा है, पूरी तरीके से सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, ट्विटर, इसमें सब पूरी तरीके से प्रचार किया जा रहा है। लेकिन वहीं हम महासमुंद लोकसभा में जिस तरीके से जो ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने जो मैदान में उतारा है, और वहीं बीजेपी की तरफ से जो रूप कुमारी चौधरी को उतारा है, तो कहीं ना कहीं ये जो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र है वो अब तक के जैसे महासमुंद लोकसभा में लगभग साहू कैंडिडेट को ही मैदान में उतारा जाता था, लेकिन इस समय बीजेपी ने काफी परिवर्तन करते हुए महिला के ऊपर दांव खेला है, और कहना चाहिए कांग्रेस इसका फायदा उठाने के लिए अपना साहू समाज के एक बड़े चेहरा ताम्रध्वज साहू है, एक पुराने नेता माने जाते हैं, और महासमुंद में उसका एक खासा प्रभाव भी माना जाता है, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद में, इसलिए उसको मैदान में उतारा गया। कहीं ना कहीं इसको सामाजिक उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि साहू समाज से आते हैं, और कहीं ना कहीं सामाजिक जो बैठक बैठक जो चल रहा है उससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो समाज के लोग, जो साहू समाज को इस समय बीजेपी ने जिस तरीके से नकारा है, उसका कुछ न कुछ चुनाव में उसका प्रतिफल देखने को मिलेगा, मतलब इस बार बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, महासमुंद लोकसभा में इस समय जिस तरीके से कैंडिडेट को बदला गया है, बिल्कुल यहाँ पर बराबर की स्थिति हो सकती है। और रही सवाल आगे प्रचार प्रसार में, बहुत सारी जो चीज है वो समीकरण जो है और बदलते रहता है, और जो उस समय जो जो मेन जो स्टार प्रचारक आएंगे उसमें और बहुत सारी चीजें जो वातावरण जो है उस हिसाब से निर्मित होती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार से समझने की कोशिश करेंगे, आप बिंद्रानगर विधानसभा को काफी करीब से जानते हैं और हमेशा लोकसभा चुनाव में बिंद्रानगर से हमेशा भाजपा लीड करती आई है, इस बार क्या कुछ होने वाला है उस विधानसभा में? देखिए विधानसभा की चुनाव पार्टी ने भी समीक्षा की है और दोनों पार्टियों ने समीक्षा की है। बीजेपी ने चुनाव के समय, चुनाव के बाद ही एक सर्वे करा दिया था और घोषित कर दिया था कि यहाँ पे इस बार सीट को हार है। उसके पीछे वजह बताया गया कि जो हार हुई है गोवर्धन मांझी की, हार गोवर्धन मांझी ने हारा नहीं, उन्हें हरा दिया गया है, ये बात अभी स्पष्ट है। जब रिजल्ट आएगी लोकसभा सीट की उसमें भी स्पष्ट हो जाएगा, वो 800 वोटों से हारे जरूर हैं, लेकिन इस बार जो लोकसभा का जो टिकट है, लोकसभा का जो परिणाम है वो लगभग 25 से 30 हज़ार और उससे ज़्यादा भी हो सकता है बीजेपी के पक्ष में, वो
विधानसभा में बीजेपी हारी है लेकिन लोकसभा में 30,000 से ज्यादा से लीड करेगी। उसके पीछे बात वही है कि प्रत्याशी को लेकर काफी कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया गया था, और दूसरे में ये रहा कि सत्ता में थी कांग्रेस और 10-20% ऐसे लोग होते हैं जो सत्ता की लोलुपता होते हैं और स्वार्थी किस्म के लोग रहते हैं जो उस तरह की लड़ाई लड़ते हैं कि बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस का भी लाभ लेना चाहते थे। ऐसे लोग जो भीतरी घाट थे जिसके कारण हारना पड़ा। अब चूंकि सत्ता में आ चुकी है बीजेपी और बीजेपी सत्ता में आने के साथ साथ ही मोदी एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी लहर के सामने मोदी फैक्टर जो है हर लहर को मोदी फैक्टर कैरी कर देता है, तो निश्चित तौर पर बिंद्रानामगढ़ में इस बार भारी लीड मिलेगा, बीजेपी को लीड मिलेगा। ऑल ओवर अगर महासमुंद की बात करें, पहले भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि 4-4 सीट दोनों तरफ हैं। पूरे माहौल के बीच एक कंट्रोवर्सी ये देखने को मिल रहा है कि ये जो चेहरा बीजेपी का चेहरा है रूप कुमार चौधरी बसना तक सीमित थे और संसदीय सचिव भले रहे हैं लेकिन एक सर्वमान्य एक नेता की तरह पहले जो प्रत्याशियों का ऐलान किया जाता था कि पूरे लोकसभा में उनका वर्चस्व दिखे, ये देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ अगर बात करें, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं दामोदर साहब, लेकिन बिंद्रानामगढ़ में उनके प्रति नाराजगी है। वो प्रभारी मंत्री इस जिले के रहते रहते कोई ऐसा ठोस काम नहीं किए, यहाँ तक कि चुनाव के दरमियान जब अभी आते हैं, प्रचार के दरमियान आ रहे हैं, लौटने के बाद ये बातें हो रही हैं कि जब मिलने गए थे तो मिलने नहीं दिए, चाहे सहकारिता का काम लेके गए हो या किसी गृह विभाग का कोई काम लेके गया हो, ट्रांसफर से लेकर अन्य किसी भी काम के लिए प्रभारी मंत्री होने के नाते बहुत सारे लोग गए हैं लेकिन ज़्यादातर लोग बैरंग लौटे थे। इसकी वजह से वो नाराजगी भी दिखे, और ये नाराजगी कैसे दिख रही है, अभी विधानसभा हाल ही में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था यहाँ देवो विकास खंड में, और विधानसभा स्तरीय सम्मेलन जब बात की जाती है तो 1000 की संख्या के आसपास कार्यकर्ता तो आना चाहिए था लेकिन वहाँ 300 से ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं थे। बीजेपी भी इसी तरह है, बीजेपी में भले ही डैमेज कंट्रोल और घर में घर की बात करके कहा जा रहा है कि कोई नाराज नहीं है, लेकिन इसी तरह बीजेपी ने भी विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कराया था वहाँ पर। जो चेहरे जिन चेहरे को देख के वोट बीजेपी को जाती थी, वो साहू समाज के नेता जो बड़े चेहरे ये भी नाराज थे। तो इस तरह दोनों पार्टी में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है लेकिन जीत सुनिश्चित है कि बीजेपी जी। तो इस वक्त गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा और बिंद्रानामगढ़ विधानसभा के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे जिन्होंने अपना मत रखा, अपनी राय रखी। आने वाले 26 तारीख को मतदान है और 26 तारीख को ही ईवीएम मशीन में दोनों प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। ये देखना लाजमी होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में आखिरबाजी कौन मार ले जाता है। गरियाबंद से राहुल ठाकुर, छत्तीसगढ़ तक।